हाथरस से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक जयंती के प्रकाश उत्सव पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें आपको बताते चले कि इस विशाल प्रभात फेरी में जिसका शुभारंभ जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं हाथरस से खास रिपोर्ट। सानू आलम की रिपोर्ट। 21वां नगर कीर्तन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी दूर दूर से यहाँ संगत आई हुई है और उसको गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को देखते हुए यहाँ हमको ये सिखाते हैं कि बलिदान करते हैं और सिख कौम की वजह से हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और आई हुई संगतों का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। शहरवासियों के लिए कुछ कहना? शहरवासियों के लिए बस मिलजुल के रहें, हम सब एकता स्वच्छता और एकता की जगह रहें। क्या अपियार मेला में क्या विशेष सर को कुछ विशेष रहा है? विशेष तो सब आप ही लोग सब जहाँ हैं सब विशेष है, सब सके तो पूरे समुदाय सब जो चलाई हुई परंपरा मर्यादा है हमारे दसवें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। जैसा कि अभी बाबू जी ने बताया, गुरु नानक साहब महाराज जी का संदेश ही यही था कि खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा है ना जी। तो इसी तरीके से जो नगर कीर्तन होता है उसका एक जो संदेश जाता है वो चारों धर्मों के लिए एक ही जाता है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर कहीं पे हमारे सिंधी भाई स्वागत कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, कहीं मुस्लिम भाई स्वागत कर रहे हैं। तो जो ये एक आज हाथरस में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है ये सिख कौम का नगर कीर्तन नहीं है, ये हमारी सभी मनुष्यता का एक नगर कीर्तन है जिसका सपना साहेब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने देखा था। एक ऐसे हिंदुस्तान का कि सभी हिंदुस्तानी वासी आपस में प्रेम से और भाईचारे से रहे, उसी का संदेश आज ये हाथरस के नगर कीर्तन से आपको देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।